का मौका है। मेडिकल लाइन से हमारे जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए मालेगांव से बाहर जाते थे उनको जो दिक्कतें आती थी, और हर साल तजुर्बात के पेश नज़र हमने देखा बहुत सारे बच्चे नए शहर में जाने के बाद नई जगह होने की वजह से सेंटर पर बरवक्त नहीं पहुंच पाते थे, और कितने बच्चे ऐसे होते थे कि दो पाँच मिनट लेट पहुंचने की वजह से वो एग्ज़ाम से महरूम रहते थे। इस तकलीफ़ का एहसास करके हमारी दिली ख्वाहिश ये थी कि मालेगांव के अंदर नीट का सेंटर होना चाहिए, और मेडिकल लाइन से हमारे जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं वो अपने शहर में दें। इम्तिहान के लिए जो माहौल चाहिए और जो ज़हनी सुकून चाहिए वो आजपुर में मिलता है, अपने माहौल में मिलता है। उसके लिए मालेगांव के बच्चे जो है नीट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल करें और फिर गवर्नमेंट सीट के ऊपर जो है उनका एडमिशन हो, ऐसी हमारी चाहत थी। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारी कोशिशें बाराबूर हुई और मालेगांव शहर में जेटी जैसे कैंपस के अंदर नीट के सेंटर मिल जाने की वजह से हम लोगों को ये खुशी है कि हमारे शहर के बच्चे अपने शहर के माहौल में जब इम्तिहान देंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। दूसरी बात, हमारे पेश नज़र ये है कि मालेगांव को जब सेंटर मिला है तो इंतज़ामी लाइन से इतना बेहतर हम लोग जो है काम करके गवर्नमेंट को बताएं कि ये सेंटर मुस्तकिल हो जाए, और हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को पुरसकून माहौल मिले एग्ज़ाम के लिए, और उनके सरपरस्त जो साथ में आते हैं उनके लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, दर बदर ना रहें, उनके लिए हम लोग वक्ती आराम का उठने बैठने का इंतज़ाम करेंगे और उनके लिए चाय पानी वगैरह रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम होगा, ताकि मालेगांव को जो है वो मकाम मिले कि लोग अगर उनके यहाँ सेंटर नहीं है तो आसपास किसी और जगह जाने से बेहतर वो मालेगांव को तरजीह दे कि हम मालेगांव में एग्ज़ाम देंगे। ऐसी हम लोगों की कोशिश है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश कामयाब रहेगी, और मालेगांव को और ख़ास तौर पर जेपी कैंपस को और उनके जिम्मेदारों को इंशाअल्लाह नेकनामी मिलेगी। मालेगांव में मेडिकल नीट की क्लासेस चलती है, कोचिंग चलती है, हमारे बच्चे जो नासिक जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए नीट का, उसका सेंटर गवर्नमेंट से हम लोगों ने मुफ्ती इस्माइल साहब की मदद से ये सेंटर हासिल किया है। इस सेंटर से फ़ायदा सारे शहर के और आसपास जितने तालुके में जो मेडिकल में जो बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए उनको मिलेगा, उनके पेरेंट्स को मिलेगा। जो बच्चे हरेसमेंट होते हैं जिनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है बाहर शहर में, और बच्चे जो है एजुकेशन महसूस करते हैं कि भाई हम बाहर नीट एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, क्या होएगा क्या नहीं होएगा, बच्चे टेंशन में रहते हैं। अब यहाँ पे सेंटर आने के बाद में वो सारी चीज़ें बच्चों के अंदर से निकल गई, डर और खौफ निकल गए। अब बच्चा ऐसा महसूस करेगा कि हम हमारे घर में हमारे सेंटर पर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इससे इसका बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। जो बच्चा डर के मारे बहुत सारे सवाल नहीं कर सकता था वो इजीली और आसानी से सारे सवाल का जवाब यहाँ पे हल करेगा और उसको स्कोरिंग करेगा। इसलिए मुफ्ती साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी मदद से हम लोगों ने ये सेंटर हासिल किया, और इंशाल्लाह हम ऐसा काम करेंगे कि ये सेंटर यहाँ पे हमेशा के लिए कायम। कितने बच्चे आने वाले हैं यहाँ पे? लगभग 2000 बच्चे आने वाले, 1986 बच्चे लगभग आने वाले हैं यहाँ। हो सकता है 2000 के लगभग ये फिगर है, 2000 से ज़्यादा की कैपेसिटी हमारे कैंपस में है, और सारे इंतजाम हमने यहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से